चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन नेगेटिव फील्ड, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो चुंबकीय बल कहलाता है। मान लेते हैं कोई परीक्षण आवेश क्यू आगे स्मॉल क्यू है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान, और ये भिन्न भिन्न दिशाओं में विभिन्न चालों से प्रक्षेपित किया जाता है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल F मान लेते हैं, तो F का जो मान होता है वो नंबर एक आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। आवेश के परिमाण से समानुपाती, यानी एफ समानुपाती क्यू होता है, इसको नंबर वन होता है। सेकेंड है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती। यानी F समानुपाती B के। और तीसरा है कि कण के वेग के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक के समानुपाती होता है। यदि कण का वेग स्मॉल v हो, वेग स्मॉल v मान लें, और चुंबकीय क्षेत्र b के बीच का कोण थीटा मान लें, b के बीच का कोण थीटा हो, तो F समानुपाती V का लंबवत घटक। इसका मतलब है कि वेग का लंबवत घटक, वेग का लंबवत घटक होगा साइन थीटा, V साइन थीटा, तो F समानुपाती होगा V साइन थीटा। इस आधार पर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये थर्ड माने, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को जब मिलाएंगे तो Q B V साइन थीटा, इसलिए F समानुपाती Q V B साइन थीटा, ये एक इक्वेशन बन जाएगी।
इसमें यदि हम समानुपाती के चिन्ह हटाएं तो यहाँ एक के नियतांक आ जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ के प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि के का मान एक होता है ऐसा ही पद्धति के लिए, इसलिए एफ इक्वल टू हो जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। आदेश पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर बल लगता है। अब यदि हम चुंबकीय बल का चुंबकीय बल को परिमाण तथा दिशा में व्यक्त करें तो इसे सदिश रूप में इस प्रकार ही व्यक्त कर सकते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ये इसका सदिश समीकरण है।